दोस्तों सारे साढ़ा चैनल दिखने आए हैं जय हिंद जय डोगरी ते जय डुगर। दोस्तों आओ अज अस तुंदी मलाटी करवाने एक ऐसे माहनू कन्नै जिहड़े एक सोशल वर्कर होने दे कन्नै कन्नै एक कवि भी हैं। इन्होंने माँ बोली डोगरी की जागरूक करने वास्ते बड़ी मेहनत की ते डोगरी फॉक ते टाक दे जरिए लोकां की डोगरी दे बारे च बड़ा कुछ दस्या। ते तुंदा सब तो पहले स्वागत है ते अभिनंदन है साढ़े चैनल पर। तो दोस्तों ये बैठे साढ़े सामने जानी मानी हस्ती MN शर्मा जी। शर्मा जी सबसे पहले असी थोड़े को जानते हैं कि थोड़ा लगाव जड़ा है जम्मू के कन्ने कन्ने बसोली कन्ने भी बड़ा रहा। तो तुसी साढ़े दर्शकों की अपनी एक छोटी जी जिहड़ी जीवन का सफर है यात्रा है वो कुत्थों शुरू हुई ये डोगरी कदों तुसी लिखना शुरू की ये बारे थोड़ी जी साढ़े दर्शकों की रोशनी डालो। जम्मू मेरी माँ है ते बसोली जी है ना मेरी मासी है ते डोगरी प्रति मेरा रुझान उसले बढ़िया जिसले मैं पंजाब तक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया आया। मैं पहले इन्नी डोगरी नहीं बोलता कि मैं 15 साल की उम्र से बाहर निकली गया था कि मेरे नानके पंजाब से मैं पिछोकड़ा मेरा नवे शहर जम्मू है पैदाइश मेरी मस्तगढ़ की है। मेरी डोगरी ऊपर भी पकड़ है पंजाबी ऊपर भी है। मैं साढ़े घर भी बड़े बंदे ने मैं उन्हें नौ के बराबर भी नहीं है जिन्हें डोगरी इन्नी सहयोग किया डोगरी की बुलंदी तक बजाए तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं कुसै के सहारे उपर कुसै मोटे उपर बाहर रखिए उठना नहीं चाहता। मैं अपने बल उपर जो मेरी सोच है मैं उसके कन्ने उठना चाहना। मैं कुसै का नाम सहारा नहीं लेना। जिले में 85 खालसा कॉलेज अमृतसर का BSc MSc करिए उतों आया ते मैं देखिया कि जिहड़ी कौम अपनी विरसे ते बोली कन्नै प्यार करदी ना तरक्की वो करदी। इत्थे मैं देखिया आइए कि लोकें दे चार पैसे आने कन्नै ना इंदे विचार ही बदल जांदे जीने दा ढंग ही बदली जांदा। कि ये साढ़े डोगरें सब तो वड्डी प्रॉब्लम है ये है कि चार पैसे आई गए एक गड्डी आई गई दो कमरे पक्के बने गए अपने आप ही समझे अस पता नहीं टाटा बिरला बने गए कि अपना विरसा छड़ने अपनी पहचान खोने ही सब तो नंबर एक ना कि अब्बल दर्जे के मूर्ख ने। तो उदू मेरे हुई कि मेरा प्रोफेशन ऐसा हा कि मेरा किसाने कहने वाह कि मैं सब तो एग्रीकल्चर सब तो मती लोड़ होंगी कि जो सामने वाली भाषा बंदा बोला ना उस भाषा से जवाब दो कि मैं 50 सही मैंने मैं डोगरी 85 के बाद सीखी। तो उसके बाद मैं एक कविता कुविता मैं जो लिखी 85 से पहले मैं लिखी ओड़ी दी है लेकिन मैं उसले सरकारी मुलाजम हाँ और बंदिशा होंगे अस खुली गल नहीं आखी सकते कि एक कानून है कि अस सरकार के वफादार हाँ उसके कारकुन हाँ अस एक दायरा साढ़ा उस बाहर नहीं जा सकता। जिले भी रिटायरमेंट के बाद मेरे हाथ खुली गए भी मैं डोगरी लिखन लगा कि उपरा सुमित कसूरिया वो मेरा भतीजा है ते उन्हें आखिया कि अंकल तुस बड़ी शैल चीज़ा लिखी दी ये की इसी बंद करके रखे दा कागज इसी थोड़ी खुली हवा दियो उहदे आखने उपर फिर उन्हें मी बड़ा इनकरेज किया प्रोत्साहित किया। उहदे बाद फिर मैं लिखना शुरू किया पहली मेरी कविता ही जाग डोग रहा हाँ तू कैसी सोचे था वो मेरी जड़ी आदि डोगरी कविता जां फेसबुक डोगरी फोक उपर होंदियां जां डोगरी फोक यूट्यूब उपर होंदियां ते मैं लिखता रहना मेरा विषय अलग अलग होंदा। मैं
ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਪੇਜੀਆਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਨਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਲਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਅੱਗ ਪੜਾਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਡੋਗਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸੋਲੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਸੋਲੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੈਂ ਬਸੋਲੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਦਲੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਗਲਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੰਮੂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਸ਼ਨ ਪੂਜਿਆ ਬਸੋਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਚਲਾ ਦੀ ਲਿਫਾਫੇ ਲਿਫੂਫੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਸੋਲੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਖਿਆ ਤਲਾਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੰਜਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ SDM ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਅੰਗਰ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਅੰਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਰਤ ਸਾਹਿਬ DGP ਵੀ ਰਹੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸੂਰੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੀ ਗਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 200 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਇਆ ਕਿ ਤਲਾਕ ਸਵਾਬ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਤਲਾਕ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ 200 ਦਾ ਡੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੱਲਿਆ 200 ਖਰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਬਾ ਬਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਸੋਲੀ ਦੇ ਇੰਨੀ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਬਸੋਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਲਾਅ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ। ਤਲਾਅ ਸਾਫ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਅ ਸਾਫ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਤਲਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਅਸ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਪਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਪੂਰੀ, ਕਿ 2 ਬੱਸਾਂ ਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਸ ਰੱਖੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਸੋਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬੜੀ, ਮੀਂਹ ਬੜੀ ਚੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਨਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਆਪੋ ਤਨਖਾਹੀ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਹਿਲੀ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਆਦੇ ਪਾਈ ਲਓ ਦਾਣੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕੁੰਜ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਨਿਕੁੰਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ SDO, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉੱਤਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਰ, ਉੱਤਮ ਚੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਠਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਭਾਪਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਸੋਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲੋਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਝ ਕਰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
तो उसने चमन लाल गुप्ता होंगे है एम पी साहब, तो मैं आख्या कि खूह हो जो त्रै पेदे चांदी वाला खूह, एक नेता जी सुभाष चंद्र स्कूल वाला खूह, एक सुभाष चौंक वाला खूह, त्रै खूह, एक मस्जिद वाला खूह, त्रै खूह है तो त्रै खूह है। तो मैं नुकुंज कन्नै बैठा तो चमन लाल गुप्ता साहब कन्नै भी मलाटी की थी, उन्दे कन्नै भी जान पहचान है। तो मैं आख्या लोग जगह घेरने की कोशिश करा दे स्कूल ये जड़े खून ये बटे पा दे अंदर नेता जी वाले स्कूल खूह के ताकि दस पंद्रह मरले आले दुआले जगह होगी। तो चांदी खूह की थोड़ी घट है तो बाकी मस्जिद वाले खूह की भी जगह घट है। तो मैं निकुंज हाँ भाई निकुंज मेरे को छोटा लेकिन इज्जत बड़ी मिलता, लेकिन आई एस अफसर है, मैं सब डिविजन अफसर हाँ लेकिन प्यार बड़ा दिता। वो तो मैं भी उसने बैठा कि पठानिया साहब जे ई साहब, फिर उन्दे कन्नै मेरी मलाटी हुई। मैं रफ एस्टीमेट दस इस खूह के उपर पंप लाना हो मोटर लानी हो ते किन्ने पैसे, उन्हें रफ एस्टीमेट बनाइया मैं दिता पठानिया साहब ने जिदा ब्रदर डायरेक्टर हेल्थ भी रिटायर हो। ते फिर मैं आया निकुंज को दुए दिन शामी शामी वेले, तो उन्हें आख्या शर्मा जिस आखन लगे यार तू इतनी पेन क्यों लेता है। मैं पेन क्यों नहीं लूँगी, मेरा इलाका है सर, मैं इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं जम्मू पैदा हुआ तो बचौली मेरे से पराया है, जम्मू कश्मीर मारा है तो मेरे लिए कोई पराया नहीं। फिर उसके बाद एक खूह बरतना ये पानी वाला काम शुरू हो गया। आज भी मी पूरी जिंदगी एक तसली वाला काम है कि एक तलाब सफाई बसोली दी ते खूहे दे उपर जड़े टैंकियां बनिया पानी लगे मी वो तृप्ति दिंदियां, मेरा मन की शांत रहे चल तू दुनिया ज्यादा कुछ किया तो है इस तू ज्यादा मैं बसोली कहने मेरा बड़ा प्यार है। वो तो राहुल है, राहुल बंगोत्रा है, वो मेरा दोस्त है, भरा भी है, अविनाश है वो भी भरा है, सबोलिया साहब ने सारे मेरे बल्ली है दुकान वाला चाय वाला बड़ा दिलदार आदमी है, उसके प्रति मेरा बड़ा आभारी है। मेरी ट्रांसफर होने एक बारी तनख्वाह नहीं आई थी, मेरी बल्ली आखन लगा चाल बहू किन्ने पैसे चाहिए मेरी लिमिट इन्नी है। मैं वो गल मैं यार पैसा नहीं कमाया लेकिन दुनिया कमाई गई है। काला मेडिकल स्टोर वाला पिंगू पापा मनियारी वाला सवार चौंक शर्मा ये द्वारका चेता आंदा द्वारका खट्टा मीट ये मीट बच्चे हूँ भी मेरे जंदे बसोली, उन्हें बसोली कन्नै बड़ा लगाव है। मेरा बड़ा बेटा आया था तो वो रोंदा है बसोली ज्यादा, वो आदम पापा मेरे दोस्त है उत्थे तो मैं इतने के लैना। मैं ठीक है यार मेरी गल सुन बसोली भी साड़ी माँ है मासी तो माँ के पर और क्या आखी सकना मैं बड़ा बड़ा बारे में। बसोली साड़ी विश्व स्थली है इतने अस फंक्शन होते रहे ना उत्थे स्वामी विवेकानंद उपर लेकिन रोकने पे उसले शक्ति पाठक हो रहे मलाटी उंदे कन्नै मेरी कि अस त्रै चार लख रुपया खर्ची ओड़दे हे फंक्शन होटल बुक करा ये करा वो करा लेकिन साढ़े अपने माणू अपने बच्चे जेहड़े ना इनाम वगैरह बागी लेई जांदे सारे ते अस मगर मैं त्रै चार लख रुपया एह्दे कोल पता एह्दे कोल ठीक है कि स्कूलों पर प्रोग्राम कराओ हर सब्जैक्ट का एक चैप्टर दिओ उंदा कंपीटीशन कराओ जिहड़ा उहदे फस्ट आया उसी इनाम छोटा दे दो। वो फिर असें फिर थोड़ा इन्ना डिले करी ओड़िया। तुसी अज दे डोगरे जिहड़े ने बच्चे डोगरी दा विरसा जिहड़ा भुल चुके दे ना तुसी उन्हें केह आखना चाहने इस चैनल दे माध्यम कन्नै केह गलाना चाहने कि डोगरी कियां बचानी है तुसी?
जिन तक देखो मेरी मेरा जो जिंदगी का तजर्बा जड़ा बूटा अपनी जड़ा भुली जाता वह भी डिगी जाती जी इमारत अपनी बुनियाद भुली जाती वह भी डिगी जाती अस अपनी बुनियाद भुली गए अस कई जगह डिगा ने डिगी गेदे इलाकें कई जगह अस डिगा ने यह अनएंडिंग प्रोसेस है ये रुका दें कि डोगरें की कमजोरी है कि इन्हें अपने विरासत कन्नै प्यार नहीं है। साहित्य अकैडमी के अवार्ड बने डोगरे हर साल कुछ ना कुछ मिलता होंदा है लेकिन ये लिखते ना सिर्फ अवार्ड लेने पर बच्चे ताई नहीं लिखते अस बोली बोली मैं भी लैंना डोगरी लेकिन मैं जिसलै मैं डोगरी लिखना मेरी मुश्किल बड़ी होंगी मैं सही गल दसा मैं सच बोलना मैं रब के मौत को डरना और कुछ को नहीं डरता ये डोगरी है देवनागरी लिपि है ये कोई ग्रामर नहीं मैं बाजार देखी डिक्शनरी मैं एक बार लिया ही अभिनव थिएटर जाइए थल इधर कोई ये नहीं है और जिया दूसरी भाषा दें बंगाली से हिंदी सीखे हिंदी से अंग्रेजी सीखे डोगरी की भी ऐसी किताब चाहिए है पहले डोगरी से लिखोए तो है फिर उसके कन्ने हिंदी उसके बाद अंग्रेजी जो है ये किताब मोटी बनग लेकिन कंसैप्ट क्लियर हो कि मात्रा कि भाषा बोलनी बड़ी सामने लिखनी बड़ी औखी होती मात्रा उसके कन्ने वो खुशबू नहीं आती है जोड़ा बंदा बोलना चाहता है माँ बोली का क्या होंगे माँ माँ बोली बच्चा कोक से सीखी आया तो होंगे कोक से सीखी आया ज़्यादा मेहनत लेकिन साढ़े लोग यूनिवर्सिटिया से लैक्चर लगी जाएंगन कॉलेजों से लगी जाएंगन उधर लगी जाएंगन स्कूलें टीचर लगी जाए लेकिन पढ़ानी कुथों है अल्फाबैट है नहीं है ए बी सी जी अंग्रेजी जो का डोगरी का मीं दसो ना कोई अज तक कैदा है लखा करोड़ रुपये खाई ओड़े बड़े ढोल बजाने अस एड शड्यूल चाहिए फलान हो टिंग हो बेसिकली डोगरा डोगरे जड़े ना ए अपनी विरासत कन्नै वफादार ही हैं मैं पंजाब च ही रहा मैं हिंदुस्तान का कोई इलाका नहीं छड्डदा एक एक दिन बीह दिन हर इलाके च रहा सवाए सैवन सिस्टर स्टेट मैं दिखना उन्हें लोकें अपनी विरासत विरसे बोली कन्नै किन्ना प्यार है मुझे डोगरें आखना यार चलो यार सुबह कूल अंग्रेजी च पढ़ा दियो लेकिन कम से कम एक कैदा घर रख दिया बच्चा डोगरी से बोला फ्लेवर कुछ पता लगेगा कियां पता लगना है डोगरा बाहर जाएगा यार एक पहचान होती मेरी तो दोनों भाषा ने क्यों मैं नवे शहर का रौने वाला मी डोगरी भी आती पंजाबी भी आती मीरपुरी आती पुंछी आती गोजरी आती कि मैं लोगों से रहा मैं सिखी ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਲੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢਣੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਜੰਮੂ ਜੈ ਡੋਗਰਾ ਜੈ ਡੋਗਰੀ